नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव, कमल सर आपके सामने फिर से नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्लेटीहेलमिंथेसिस स्टार्ट किए और हमने टीनोफोरा को वहाँ पर सिलेंट्रेटा फाइलम पोरीफेरा से के बाद हमें सिलेंट्रेटा पढ़ना था। बट सिलेंट्रेटा में क्या हुआ, सिलेंट्रेटा का वीडियो आप देखना चाहेंगे तो ये आपको प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा सिलेंट्रेटा को। तो उसके बाद हम लोग अपने टीनोफोरा यानी कि जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा से अलग होकर के एक नया छोटा फाइलम बनाया गया जिसका नाम टीनोफोरा। और ये टीनोफोरा नाम किसने दिया, यहीं से आज स्टार्टिंग होगी, टीनोफोरा शब्द से। बिल्कुल हम क्लास 11th और बीएससी के बच्चों के लिए, अर्थात हम ये कह सकते हैं लोअर नॉन कार्डेट पर चल रहे हैं। तो हमारी टॉपिक है फाइलम टीनोफोरा, जो कहाँ से वर्जिनेट हुआ है, इसको किस संघ से अलग किया गया है। तो इसको जो है सिलेंट्रेटा अर्थात नाइडेरिया से अलग किया गया है। बट नाइडेरिया के पास एक करेक्टर था, नाइडेरिया के पास दंश कोशिका स्टिंगिंग सेल थी और स्टिंगिंग सेल इन टीनोफोर्स एनिमल्स के पास नहीं है। ये भी एक अपने आप में करेक्टर है और शायद इसी वजह से इसको टीनोफोरा से, सॉरी सिलेंट्रेटा से अलग किया गया। कि कुछ जीव ऐसे थे, समुद्री ये भी थी, समुद्री वो भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ करेक्टर इनके अलग दिखे और जबकि कुछ में वो करेक्टर नहीं दिखे। इस वजह से वो करेक्टर क्या हो सकता था, क्या वो बायोल्यूमिनेसेंस है या जो कुछ भी होगा आपके सामने आने वाला है कि किस करेक्टर की वजह से सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया से इस जीवों को अलग करके टीनोफोरा में रखा गया। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले टीनोफोरा शब्द किसने दिया था। तो आप बताएंगे इस्चियो बोल्ट, ठीक है ना। टीनोफोरा शब्द किसने दिया भाई, इस्चियो बोल्ट, ठीक है। यहां पर आप ध्यान देंगे टीनोफोरा शब्द इस्चियो बोल्ट ने दिया, ठीक है। और उसका यानी कि टीनोफोरा को और किस नाम से जानते हैं, तो सी वालनट अर्थात समुद्री अखरोट कह सकते हैं इनको, या फिर काम्बजेली कहते हैं यानी कंगत तर, जो कंघे के समान, कुछ जो कंघे में होता है ना उसकी तरह दांत जैसी रचनाएं इसमें दिखती हैं, यानी काम्बजेली भी कहा जाता है और सीवाल नट अर्थात समुद्री अखरोट भी कहते हैं। और सबसे अच्छी बात, जिसलिए इनको सिलेंट्रेटा अर्थात नाइडेरिया से अलग किया गया, तो वो उस क्या कारण था, जीव संदिग्ध ही इसका कारण था। यानी कि इस फाइलम की टीनोफोरा की मुख्य विशेषता क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है ना। बायोल्यूमिनेसेंस यानी जीव संदिग्ध, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये प्रकाश का उत्सर्जन करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जिस तरह से जुगनू में ल्यूसीफेरस प्रोटीन होती है उसकी वजह से उसमें लाइटनिंग होती है, उसी तरह से इसमें भी क्या होती है, जीव संदीप्त यानी प्रकाश उत्सर्जित होता है। और इसी कारण से इनको सिलेंट्रेटा से अलग किया गया था, ठीक है। अगले में आते हैं, अगला इनका क्या मेन करेक्टर कह सकते हैं जो इस फाइलम की है, इसमें 8 कॉम प्लेट पाई जाती है, यानी कि जो कंगत यानी काम्बजेली है वो 8 की संख्या में होती है। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बहुत ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लाइन है इसमें 8 काम प्लेट होती है। और इन प्लेट का फंक्शन क्या है, इन प्लेट का काम क्या है, इन प्लेट का काम है कि जल में तैरने में सहायक है, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाते हैं, अर्थात ये चलते हैं, मोटाइल होते हैं, लोकोमोट करते हैं, तो अर्थात प्रचलन में भी सहायक हैं, गमन में भी सहायक हैं। तो अब बात करेंगे इसके जनरल करेक्टर पर, इसका सामान्य लक्षण क्या है उसके बारे में। तो इसके जनरल करेक्टर में आते हैं,
जो हम लोग इससे पहले वाले यानी फाइलम पोरिफेरा से शुरू किए सिलेंटेटा पे, तो सिलेंटेटा का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो टीनोफोरा का जनरल करेक्टर के लिए आपको 4-5 स्टेप जरूर, ये सभी फाइलम के लिए यूज होगा। हैबिट एंड हैबिटाट, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम एंड सेगमेंटेशन, देन एग्जाम्पल और हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये इसके एक जनरल फीचर होते हैं कि भाई ये सभी फाइलम में आपको पढ़ना होगा, सभी फाइलम के लिए है। कोई भी फाइलम हो आप 10-11 फाइलम जो भी पढ़ेंगे, तो हैबिट और हैबिटाट, प्रकृति और इनका वासस्थान, ये कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर रहते हैं, तो सब जो सब जंतु हैं, इसके जो सभी जंतु हैं कैसे होते भाई, समुद्री होते हैं, यानी सभी जंतु समुद्री हैं। समुद्री होने के साथ साथ क्या है, पिलैजिक हैं। पिलैजिक मीन्स क्या, ऐसे एनिमल्स, ऐसे जलीय एनिमल्स जो समुद्र की सतह पर तैरते हैं, फ्री स्विम करते हैं, उनको हम कहते हैं पिलैजिक। और बेंथिक किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा कि बेंथिक एनिमल्स किसे कहते हैं, क्या जो पानी के ना बॉटम पर ना सरफेस पर बीच में रहते हैं वो, या जो बॉटम पे रहते हैं वो बेंथिक होते हैं। तो यानी कि जो टीनोफोरा के जीव हैं वो क्या होते हैं भाई, पिलैजिक होते हैं, अर्थात समुद्र सतह पर तैरते हैं। पिलैजिक वर्ड याद रखिएगा, ठीक है ये। उसके बाद आते हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनके शरीर का संगठन क्या है, किस स्तर के हैं। तो ये इनका क्या है, ऊतक स्तर के हैं, अर्थात इनमें सेल्स का जो ग्रुप बन जाता है उसे हम लोग ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, अर्थात इसमें टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ऊतक स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन इनमें सिमेट्री कैसी होती है, सममिति कैसी होती है, क्या ये किसी प्लेन से काटे बराबर कट जाते हैं या नहीं कटते हैं। तो इनमें जो सिमेट्री है वो अरीय सममिति है, अर्थात रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसको आप किसी भी प्लेन से काटेंगे तो ये आसानी से दो बराबर भाग में कट जाएंगे, इसलिए इनमें क्या होता है, अरीय सममिति होती है, अर्थात रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। अर्थात रेडियल सिमेट्री के साथ साथ इनको हम बाई रेडियल सिमेट्री भी कह सकते हैं, अर्थात द्वि अरीय सममिति कह सकते हैं, अर्थात दो बराबर भागों में बट जाते हैं, इसका ये सेंस हो गया। इसके बाद बात आती है जर्म लेयर की, अर्थात जर्म लेयर या हम बॉडी प्लान के बारे में बात करें तो जर्म लेयर कैसी होती है इनके पास दो जर्म लेयर होती है, वो भी कौन कौन सी, एक इक्टोडर्म के रूप में और दूसरा एंडोडर्म के रूप में, जबकि जो बीच में नॉन सेलुलर मीजोग्लिया पाया जाता था सिलेंट्रेटा में, देखें हम लोग तो मीजोग्लिया था, अकोशिकीय लिक्विड लाइक मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल, उसे आपने क्या कहा था, मीजोग्लिया। बट इसमें जो टीनोफोरा के एनिमल हैं उनमें क्या है, जो मीजोग्लिया है वो डेवलप है, विकसित है, ठीक है ना, डेवलप है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं सीलोम यानी प्रगुहा, क्या ये सीलोमेट होते हैं कि नहीं होते हैं या फिर स्यूडो सीलोमेट हैं, तो ये इनमें क्या होता है, सीलोम एब्सेंट होता है, अर्थात सीलोम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अगले कैरेक्टर पे आते हैं सेगमेंटेशन को लेकर के, अर्थात विखंडी भवन, क्या इनके शरीर में आंतरिक और बाह्य सेगमेंट मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है, अर्थात ये सेगमेंट एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन केवल दो ही फाइलम के पास है, एनलिडा और आर्थ्रोपोडा कह सकते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात आती है, सबसे जरूरी बात है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, एसेक्सुअल एब्सेंट होता है। और जनन के साथ हम बात कर लें तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल यानी कि स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, पानी में आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, किसमें, टीनोफोरा के जंतुओं में, ठीक है। इसके बाद अब ये जंतु कैसे होते हैं, ये जंतु क्या होते हैं भाई, कार्निवोर होते हैं, कार्निवोर,
ठीक है ना, कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो प्लूरोब्रेकिया, हार्मीफोरा एंड टीनोप्लाना। अब इसके बारे में आपको बात पूरी समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। देन हम इसके टिपिकल करेक्टर के बारे में बात करें, और इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं आपसे, कि क्या इनमें डेवलपमेंट जो है वो कैसा होता है, इनकी डेवलपमेंट को लेकर के बात करें हम, तो इनका डेवलपमेंट जो है इनका वो कैसा होता है, यानी कि प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है। इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का सेंस क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का क्या मतलब हुआ? यानी अर्थात अप्रत्यक्ष जब भी रहेगा तो इसका मतलब इसमें लार्वल स्टेज जरूर होगी, अवश्य लार्वा बनेगा। क्योंकि अगर ये कोई मान लीजिए कि हार्मीफोरा का जीव है, इसके बीच में एक दूसरा करेक्टर आएगा तब जाकर के ये अपने आप को हार्मीफोरा कहलाएगा। ये करेक्टर क्या है? ये करेक्टर ही लार्वा है, अर्थात डायरेक्ट नहीं ये बन सकता है। बीच में कुछ अलग सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, उसके बाद वो मैच्योरिटी के बाद इसकी तरह दिखाई पड़ेगा। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो कि इसमें पाया जाता है। तो इसका लार्वा का नाम क्या है भाई? सीडिपिड लार्वा। क्या नाम है भाई? सीडिपिड लार्वा। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी टीनोफ्लोरा के जीवों में कौन सा लार्वा बनता है भाई? सीडिपिड लार्वा बनता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में इसके टिपिकल करेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।